नमस्कार, मैं हूं श्रेया। आप देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स। बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। चलिए देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। प्रयागराज में फूलपुर स्थित इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको में मंगलवार देर रात यूरिया इकाई में अमोनिया गैस का रिसाव हो गया, जिसकी चपेट में आने से दो अफसरों समेत 14 लोगों की हालत बिगड़ गई है। सभी को शहर के एक अस्पताल में भेजा गया है, जहां असिस्टेंट मैनेजर वीपी सिंह और डिप्टी मैनेजर अभय नंदन की मौत हो गई। 12 अन्य को शहर स्थित अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। फूलपुर में स्थित इफको में अमोनिया व यूरिया निर्माण की दो दो इकाइयां हैं, जहां रात 10 बजे से रात्रिकालीन शिफ्ट में तैनात कर्मचारी अलग अलग इकाइयों में काम पर लगे हुए थे। 11:30 बजे के करीब यूरिया इकाई में अचानक अमोनिया गैस का रिसाव होने लगा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी बाहर निकलकर भागने लगे। इस दौरान अन्य तो किसी तरह बाहर निकल गए, लेकिन 14 लोग गैस की चपेट में आ गए, जिससे उनकी हालत बिगड़ने लगी। इनमें से कई इकाई के भीतर भी बेसुध भी हो गए थे। सूचना पर कंपनी के अफसरों के साथ पुलिस भी आ गई। इस किसी तरह हताहत लोगों को फैक्ट्री से बाहर निकालकर शहर के एक अस्पताल में ले जाया गया। इनमें से असिस्टेंट मैनेजर यूरिया वीपी सिंह एवं डिप्टी मैनेजर ऑफ साइट अभय नंदन कुमार पुत्र सूर्य नारायण की हालत बेहद गंभीर बनी हुई थी। अस्पताल के इलाज के दौरान कुछ घंटों के बाद दोनों की मौत हो गई, जिससे वहां कोहराम मच गया। रॉड थी प्लंजर, उसमें वो टूट गया। टूटने के कारण जो भी उसमें अमोनिया थी वो लीक हो गई। जो आसपास के एम्प्लॉय थे, जो हम लोग, वो उन्होंने सांस लेते होंगे ना, तो वो सांस उन्होंने ले लिया तो अंदर चली गई, जिससे उनको प्रॉब्लम हुई। तो यहाँ से तुरंत ही हम लोग फर्स्ट एड होता है, तुरंत हम लोग हॉस्पिटल टाउनशिप में है, तुरंत वहाँ उन्होंने ले गए। वहाँ से फिर उनको लगा कि थोड़ी सी इन लोगों की प्रॉब्लम है, तो इलाहाबाद रेफ़र कर दिया। इलाहाबाद रेफ़र 8 लोग को किया गया, जिसमें से 2 के कैजुअल्टी हो गई है। मिस्टर वीपी सिंह हैं, एज 47, असिस्टेंट मैनेजर हैं। मिस्टर अभय नंदन कुमार, एज 57 ईयर्स हैं, डिप्टी मैनेजर हैं। कल रात तकरीबन 10:15 पर हमारा यूरिया प्लांट जो है, उसमें एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ। एक एचपी अमोनिया पंप है, ये प्लंजर टाइप का पंप है, इसमें एक मैकेनिकल फेल्योर हुआ और पंप का प्लंजर डिटैच हो गया, जिसकी वजह से अमोनिया का रिसाव हुआ और एक अमोनिया का क्लाउड उस एरिए में बन गया। हमारे कंट्रोल रूम में जो भी ऑपरेटिंग स्टाफ था, हमारा फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट था, इमरजेंसी रिस्पांस ग्रुप था, इमीडिएटली हम लोग मोबिलाइज किए और हम कोशिश करते रहे कि उस क्लाउड के अंदर से जाके अंदर कंट्रोल रूम में पहुँचें और जो कंट्रोल रूम में लोग हैं उनको हम रेस्क्यू कर सकें। इसके ऊपर एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की अध्यक्षता में जांच हम लोगों ने बिठाई है, वो पूरा इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इस इंसिडेंट के अंदर हमारे 2 ऑफिसर्स, जो अमोनिया क्लाउड था उसमें ट्रैप हो गए और उनकी जान चली गई। उन्होंने और पूरे स्टाफ ने ब्रेवली इस इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल किया और दूसरों की जान बचाई जा सके उसमें अपनी जान दे दी। हम लोगों की जो इंटरनल एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के
की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, वो इसकी का पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी। सर, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, उसको उसके बाद इस तरीके हो रही है, कैसे उसको आप ढूंढे? नहीं, इससे पहले इस तरह की घटना नहीं हुई। केमिकल कॉम्प्लेक्स है, छोटे मोटे लीकेजेस होते रहते हैं, लेकिन ये घटना जो है, इसमें कल जो रात में हैवी वेदर था तो क्लाउड फॉर्मेशन, हवा चल नहीं रही थी, क्लाउड फॉर्मेशन लोकली हो गया और उस क्लाउड के अंदर हम लोग अंदर जाके रेस्क्यू किए, बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया, टोटल 18 लोग अफेक्ट हुए इसमें, 2 लोगों की डेथ हो गई। हमने 6 लोग प्रयागराज के हॉस्पिटल्स के अंदर शिफ्ट किए, बाकी 10 लोग हमने, हमारा जो टाउनशिप का लोकल हॉस्पिटल है उसके अंदर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें से 2 लोग डिस्चार्ज हो गए हैं और कंडीशन प्लांट के अंदर नॉर्मलाइज हो गई है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।